हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बात करेंगे कि आपका इंडियन नेवी डबल ए एस आर और एम आर का जो हाल ही पे एग्ज़ाम है, ठीक है, इस पे आपका जनरल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर फ्रेंड्स आपके इसमें 25 क्वेश्चंस में 18-20 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप अच्छे से इंडियन नेवी एम आर सेक्शन को या फिर जनरल मीन्स एस एस आर और डबल ए सेक्शन को ईजिली क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि आप एम आर हो, ठीक है, या फिर एस एस आर हो या फिर डबल ए हो, ठीक है, तीनों में से कोई हो, अगर आपको फाइनल मेरिट पे आना है तो आपको जनरल नॉलेज सेक्शन को अच्छे से सुधार करना होगा, क्योंकि जनरल साइंस एक लेवल का आता है, ठीक है। जनरल साइंस पे एग्ज़ाम जो होता है वो जनरल साइंस पे मोस्टली करके आपका आस करते हैं, बायो से क्वेश्चन आस कर लेते हैं 2-3, ठीक है, या आपके केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन अदर्स हो जाते हैं एंड 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके थ्योरी से होते हैं फिजिक्स की। बट आपको इस पे लड़के कम ही क्वेश्चंस को कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज पे अच्छे से मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है, जिसमें आपको अगर बात की जाए एमआर की तो एमआर पे 25 मार्क्स टोटल जो होगा 25 मार्क्स जनरल नॉलेज की होंगे, ठीक है, और अगर एसएसआर की बात की जाए तो एसएसआर पे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के एंड 15 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सा जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, ठीक है, तो देखते हैं। और आप पहले क्वेश्चंस को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद अपना आंसर लगाना, फिर उसके बाद वीडियो को देखना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम लेते हुए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885, अक्टूबर 1890, सितंबर 1888 या फिर डी पार्ट नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए पार्ट, दिसंबर 1885 मीन्स 28 ऑफ दिसंबर 1885 को नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, हाँ। और बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई पे, मुंबई पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? अगर उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रह जैसे पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। तो टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है जो वो शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है, ना कि बृहस्पति, न मंगल, ना ही बुध का, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, ठीक है। अगर बुध और शुक्र के कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है, तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो शनि है, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, तो सूर्य के सर्वाधिक निकट है बुध। फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है, मैं बता दिए देता हूँ कैसे होता है। बुध होता है पहले, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। ये अब कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बुध मीन्स डी पार्ट। सूर्य का सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है मीन्स प्लैनेट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी पार्ट, बुध। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 5 सितंबर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज किया हुआ है डबल ए पे, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगर बात की जाए 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। अगर वर्ल्ड पर बात की जाए तो शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आस्क करना, और किसी भी टॉपिक से आपको कुछ भी आस्क करना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। नेशनल पार्क से जरूर फ्रेंड्स एक से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क है जो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश मीन्स एमपी पे। अब बात की जाए असम, असम पे कौन सा है? तो असम पे एक फेमस है काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है, एक काजीरंगा है। दूसरा मानस, मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मानस कहाँ पे है? असम पे है, काजीरंगा असम पे है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात पे गिर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पे लखीमपुर खीरी के लखीमपुर खीरी पर है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है
गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो अपना उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का मेन सभापति, ठीक है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का 5 वर्ष का 6 वर्ष का, फिर डी नन ऑफ दिस, मोस्टली 5 वर्ष ही होता है, तो इसका भी क्या होगा, 5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर भट्ट थे भारत के प्रसिद्ध, क्या थे, आर भट्ट थे वो क्या थे, तो भारत के प्रथम कवि थे, भौतिक शास्त्री थे, गणितज्ञ थे या चिकित्सक थे, तो आर भट्ट थे एक गणितज्ञ थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे भारत सर्वप्रथम एक आर भट्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया, जो 1975 पे छोड़ा गया, 1975 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 32 का सी पार्ट, मीन्स गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काली मिट्टी ब्लैक सोयल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए कि काली मिट्टी कौन से खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है, तो कपास, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, केनरा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, गोलकुंडा तट, तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण तट, कोंकण तट। फ्रेंड्स, अब वीडियो पे आपको टाइम नहीं लगाना कि आप मतलब इस वीडियो पे टाइम वेस्ट करें, फ्रेंड्स आपके पास 2 से 3 दिन केवल है, आप मन लगा के पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। महाराष्ट्र के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौरी कहाँ की जनजाति है, तो मौरी जापान, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका, कहाँ की जनजाति है मौरी, तो इसका राइट आंसर होगा मौरी जो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, मीन्स न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की ही जाति है मौरी। अगर बात की जाए कैपिटल्स की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है यूएसए की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन। जापान की टोक्यो। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल बात की जाए तो वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरियो। नेक्स्ट है, अब महाराष्ट्र, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्मित कौन थी, सरोजिनी नायडू, यानी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर नन ऑफ दिस, तो सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। अगर बात की जाए राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, एवो होम ने स्थापना की, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, मीन्स व्योमेश चंद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर सरावती, तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सरावती में राइट आंसर होगा इसका बी पार्ट, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगर नर्मदा, नर्मदा किस नदी पर है, तो नर्मदा सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो प्रथम लड़ाई तो 1526 ईस्वी में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1566 में हुई, 1556 में हुई, 1761 में हुई, तो द्वितीय लड़ाई जो हुई 1556 ईस्वी में हुई, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई 1526 ईस्वी में। अगर बात की जाए आखिरी लड़ाई कब हुई, पानीपत के 3 युद्ध हुए, तो तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1761 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संथाल विद्रोह का नायक कौन था, सिद्धू कान्हू, गोमदुर कुंवर, बिरसा मुंडा, ठीक है, या फिर नाम दीज, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड 39 का ऑप्शन होगा बी, अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संथाल विद्रोह का नायक कौन था, तो सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन हुआ था कैबिनेट मिशन द्वारा, माउंटबेटन प्लान द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन प्लान द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। अगर बात की जाए कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कौन सी रेखा है, रेड क्लिप रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वित्त आयोग है जो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष, तो फ्रेंड्स मैंने अभी पीछे बताया कि मोस्टली 5 वर्ष ही होता है, ठीक है, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष का होता है, बट और अदर्स का मोस्टली 5 ईयर्स ही होता है। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका मीन सेल का नामकरण किसने किया था, पाइलेंड ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, डी डुबोय ने किया या फिर मेंडल ने किया,
तो इसका राइट आंसर होगा कि कोशिका सेल का नामकरण किसने किया, तो कोशिका सेल का नामकरण किया रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका सेल का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, किस प्रधानमंत्री ने भारत के एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। 43 का कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जो बताएगा उसका मैं अगले वीडियो पे नाम लूँगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो पे जो मैंने क्वेश्चन आस्क किया था उसका कोई डिफेंस लवर जी थे, उन्होंने वो आंसर बताया था। डिफेंस लवर जय हिंदू ऐसा करके कोई थे, उन्होंने आंसर बताया था। ठीक है भैया, बढ़िया पढ़ाई आपकी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया है, मोरारजी देसाई ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, चौधरी चरण सिंह ने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। 43 नंबर का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, ग्रीनलैंड है कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, फिर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड स्थित है कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में। तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि एनु जनजाति किस देश की है, जापान की, न्यूजीलैंड की, दक्षिण अफ्रीका की या फिर अमेरिका की। तो एनु जनजाति है वो कहाँ की है, तो एनु जनजाति है जापान के, जहाँ की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है। और वहाँ पर करेंसी चलती है येन। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है, तो एंजल किस देश में स्थित है, रसिया में है, वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका में है, कनाडा में है। अच्छा बात की जाए कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरियो, रूस की बात की जाए तो मास्को, रूस के वो क्या है, क्या बोलते हैं, रूस के प्रेसिडेंट तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, वेनेजुएला में। ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या नाम है, तो लापाज, लासा, पेकिंग या यंगून। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम है लापाज, सबसे ऊंची पर स्थित राजधानी का नाम है लापाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, भारत, केन्या, ब्राज़ील या फिर श्रीलंका, ठीक है। कॉफी सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, अदर कंट्रीज नहीं, ठीक है। सभी कंट्री करती हैं बट ब्राज़ील ज़्यादा करता है, ठीक है। किसी भी जैसे भारत करता है अब्रक का, माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है, इस तरह से। अगर बात की जाए भारत के किस राज्य में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो भारत के कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित होती है, जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1994 या फिर डी इन एन ऑफ दीज। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 1995, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और फ्रेंड्स आप लगे रहिए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आस्क करना, किसी प्रकार की भी समस्या हो तो प्लीज़ आस्क करना फ्रेंड्स। एट लास्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।